ये दिखा हरी, ये निकला, ये पीला कलर एकदम सोना जैसा दिख रहा है। हाँ। हाँ। अब ऐसा सोने जैसे अन्न को खाएंगे हाँ। तो क्या ये फायदा नहीं करेगा? इसलिए तो इसको सिरी धान्य बोलते हैं, है ना? ठीक है, एक चीज हाँ। ये जो है जितने पांचों ये अनाज हैं, खादर जी का कहना है कि ये किसी भी जलवायु में उत्पन्न हो सकता है। हाँ। अच्छा हाँ, हिमालय में तो कोदो उत्पन्न होता है जब उसके बर्फ गल जाते हैं हाँ। उस समय उसको बोते हैं और उसका उत्पादन ले लेते हैं। अच्छा है, ये हिमालयन मिलेट करके भी जाना जाता है, कोदो हाँ। कोदो को तो ये किसी भी सीजन में भी उग सकता है, केवल बारिश में ही उगे ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ हाँ। विषम से विषम परिस्थिति हाँ। पैदा हो सकता जहाँ जहाँ सिंचाई का कुछ साधन है तो वहाँ किसी भी सीजन में उसको उगाया जाए। और जहाँ पे सिंचाई का अच्छा साधन है वहाँ अच्छे मतलब क्या बोले, अच्छे यील्ड के साथ पैदा हाँ, होता है, मतलब उत्पादन अच्छा होता है ना। अभी मैंने बसना से कवर किया तो वहाँ रागी का उत्पादन बहुत अच्छा था। इसमें क्या है, इनपुट कुछ नहीं है हाँ। मैंने कोई खाद देने की जरूरत नहीं है, ना पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत है, इनमें कीड़े लगते ही नहीं है और खाद देने की भी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल मुरमीली जमीन हो हाँ। पथरीली जमीन हो, बंजर जमीन हो, वहाँ भी ये पांचों अनाज आसानी से उगाए जा सकते हैं। ये मिलेट में ये प्रजाति यहाँ से विलुप्त हो गया है और इसको यहाँ लोकल भाषा में कांग बोलते हैं हाँ, कांग। हाँ। और उसका हिंदी नाम है कंगनी हाँ। इंग्लिश में इसको फॉक्सटेल बोलते हैं हाँ। क्योंकि इसका जो बनावट है हाँ। लोमड़ी के पूंछ जैसा है। अच्छा। इसीलिए फक्स माने लोमड़ी हाँ। टेल माने पूंछ हाँ। इसीलिए उसी तरह ये नाम करण ये पड़ा। यही कंगनी है हाँ, हाँ, यही कंगनी। तो पहले के जमाने में इसकी खेती होती थी हाँ, हाँ भयंकर यहाँ खूब होती थी हाँ। ये अभी 3 साल पहले तक हम इसका बीज यहाँ देखते थे हाँ। हमको मिला था हाँ। उसके बाद फिर आज खोजो तो आज नहीं मिल रहा। तो ये लुप्त होने का कारण क्या रहा होगा? ये इसके बारे में एक्चुअली लोगों की अज्ञानता ही मेन कारण है हाँ। खाली कोदो कुटकी उसको वो लोग करने लग गए। इसको धीरे 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 इसको क्या करेंगे, कोदो कुटकी तो हो रहा है उसी से काम चल जाएगा। परंतु डॉक्टर खादर वल्ली जो साइंटिस्ट हैं, खाद्य वैज्ञानिक, वो इसी के ऊपर 20 साल तक रिसर्च किए हैं और उसका प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये कंगनी जो है हमारे श्वास संबंधित सारे रोगों को ठीक कर सकता है, इसमें उतनी क्षमता है। फेफड़े संबंधित, चाहे दमा हुआ, चाहे साइनसाइटिस हुआ, चाहे ब्रोंकाइटिस हुआ, चाहे सर्दी जुखाम हुआ, ये सभी श्वास से संबंधित जितनी सर्दीली बीमारियां हैं वो सब इसी से ठीक हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये पांचों अनाज, कोदो कुटकी, कंगनी, इसका और एक प्रजाति है छोटी कंगनी और एक है सावा, इन पांचों अनाजों का बिल्कुल एक सेटिंग है कि हमारे शरीर के सारे सिस्टम इसी से दुरुस्त हो सकते हैं। जैसे ये कंगनी श्वास के लिए है हाँ? ये इसका अच्छा सूखा हुआ है, ये सूखा हुआ हाँ, है ये इसका सूखा हुआ है हाँ। और ये मतलब अपने यही आश्रम का उत्पादन है ये। अच्छा, तो किसान भाई इसको अपने घरों में, खेतों में, बाड़ी में, जहाँ भी लगे हाँ। अपना उत्पादन कर सकते हैं और ये बीज के लिए अपन इसको तैयार करके रखे हैं हाँ। ताकि बीज अच्छा मिले हाँ। और ये धान से कम उत्पादन नहीं देगा हाँ। मतलब उसी रेंज का उत्पादन देगा ये। और रेट भी अभी छत्तीसगढ़ पे ठीक ठाक पे बिकता है, रेट भी ठीक है 3000 से हाँ। मतलब सरकार भी 3000 में खरीद रही है हाँ। तो यहाँ किसान भाई को घाटा नहीं होगा हाँ। और ये अपने जैविक है और मतलब शरीर के लिए, स्वामी जी बताइए। तो ये रवि का फसल है कि खरीफ का फसल है? ये रवि का है, रवि का है जी। अच्छा, यानी कि किसान भाई धान काटते हैं हाँ हाँ, उसके धान काटने के बाद दिसंबर पे इसको लगा सकते जी, हैं जी जी जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी खेत को, गीले खेत को जो मतलब आपके सामने है दिख रहा है, ये दिसंबर जनवरी के आसपास ही लगा है ये हाँ। तभी तो अभी हाँ, इसमें बाली आगे पक गया है ये। अभी इसको काट करके हम लोग
ऐसी ऐसी सुखा करके रख सकते हैं। ठीक है, और जो जिस जो खेत है धान कटने के बाद उस पर दोबारा ये बो सकते हैं, और बहुत कम पानी पे होता होगा। जी बहुत कम, बहुत कम पानी पे होता है। हाँ। केवल मात्र 4 बारिश इनको मिल जाए तो ये लोग अपना उत्पादन दे देंगे। हाँ। ये है सामा। हाँ। ये सामा है जिसका आप कल वीडियो बनाए। हाँ, वीडियो बनाए थे और इसका अमली खाए थे। हाँ। ये सामा है, हमारी ये प्रजाति इधर विलुप्त तो हो गया था। हाँ। इसको पुनः हम लोग अपने आश्रम में यहाँ पैदा करके किसानों को दिखाए, बच्चों को दिखाए कि इस प्रकार की सामा की खेती हो सकती है, जिससे हमारे किसान भाई और इसको अपने घरों में अपने खेतों में उत्पादन कर सकते हैं। और ये तीसरा है, ये छोटी कंगनी है, हरी कंगनी जिसको बोलते हैं, उसका बीज हम लोग दिखाने के लिए ऐसा तैयार किए हैं। परंतु हमारे पास यहाँ करीबन इस सत्र में मैं गर्मी में भी इसका प्रयोग करके देखा हूँ, जो 5 किलो तक के उत्पादन में छोटी सी जगह में उत्पादन करके देख लिया। अच्छा। और वो किसानों को भी बांट रहा हूँ। अच्छा। इसको। और ये है रागी। ये रागी सरकार भी रागी के ऊपर बहुत सारा मेहनत कर रही है। हाँ। तो हम लोग भी इसको, ये हमारे जंगल क्षेत्र में इसको मड़िया बोलते हैं। हाँ, मड़िया बोलते हैं। हाँ, ये हमारी दलदली क्षेत्र का ही मड़िया है। हाँ। इसकी साइज जो है बहुत अच्छा है। हाँ। और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। तो किसान भाई ये सब इन जो हमारे पुरखों का अनाज है, उन अनाजों के बारे में सोचें और समझें, आगे इसको बढ़ाएं और स्वस्थ खा करके स्वस्थ रहें। जब एक चीज इसमें है, रागी जो है इसको हमको भूसा निकालना नहीं पड़ता। हाँ। ये इसका एक आसान है। हाँ, आसान तरीका, आसान है ये, बोल सकते हैं। मैंने उसको मिंजाई किए और उसका जो दाना निकला और उसको खाना खाने के लिए तोड़ दिए। स्वामी जी दिखा दीजिए, इसका छिलका नहीं निकालना पड़ता है। हाँ, इसको डायरेक्ट आप पीस सकते हैं, इसीलिए पेज बनाने में आसान रहता है। हाँ, तो आदमी आसान चीजें पहले जाता है। हाँ, इसमें कोई इसको छिलका निकालने की जरूरत, बाकी को छिलका निकालना पड़ेगा। ये उनके दाने हैं। हाँ, ये बाजारों पे मिलते हैं। हाँ। जंगल के बाजारों पे रागी आसानी से उपलब्ध है, लोग बैठ के पसरा लगा के बेचते रहते हैं। आप वहाँ से खरीद सकते हैं रागी और इसको सीधा पेज बना के लोग पीते हैं, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसका भूसा निकालने की झंझट नहीं है, इसी कारण इसको ज्यादा करके चलन में आ गया। हाँ। और सभी लोग मिलेट माने रागी समझते हैं। हाँ। परंतु इसका गुण, हाँ, हमारे कोदो से ये कांग से, हाँ, इसका गुण आधे से भी कम है। अच्छा। हाँ, कांग से आधे से भी कम है। हाँ। कोदो से 3 गुना कम है। हाँ। और कुटकी से भी 3 गुना कम है। हाँ। छोटी कंगनी से ये 4 गुना कम है इसकी शक्ति। अच्छा। 4 गुना कमजोर है ये। हाँ। परंतु ये प्रचलन में क्यों आ गया, क्योंकि इसमें भूसा निकालने का झंझट नहीं है। तो उसका भी झंझट नहीं, हमने मिक्सी का वीडियो बनाया है, आप मिक्सी से देख के निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आधा घंटा के दरमियान। ये है कुटकी। हाँ, ये कुटकी। हाँ, सफेद कुटकी है ये। हाँ। पीला कुटकी। हाँ। और ये है अमरकंटक क्षेत्र में होता है। अच्छा। इसका बीज हम लोग मंगा करके, इसको खोसरा कुटकी बोलते हैं। अच्छा। खोसरा कुटकी। अच्छा। इसको हम लोग यहाँ उगा करके देखे, ये सफल है खेती। अच्छा। तो अपने आश्रम में भी गर्मी में हम लोग लगाए थे इसको। हाँ। तो इसका खेती एकदम सफल है। हाँ। किसान बीज के लिए ऐसे कुटकी का अपने घरों में अपने खेतों में ले जाकर क्यारियों में लगा सकते हैं। हाँ, मान लो घर पे 2 पेशेंट है। हाँ। और उनको जरूरत है तो भाई खेत में ना लगा के यार बाड़ी पे लगा दो। हर छत्तीसगढ़िया घर बाड़ी है, बाड़ी पे लगा दो और अपने लिए पैदा कर लो। जी, खुद के खाने के लिए, खुद के बच्चों के लिए पैदा करो, खुद के रिश्तेदारों के लिए पैदा करो। जी, जी। और उससे ज्यादा पैदा करते हो तो खुद के समाज के लिए पैदा करो, फिर खुद के गांव के लिए पैदा करो, फिर खुद के राज्य के लिए पैदा करो, सब स्वस्थ रहे। और आज के दिन वही समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी। तो उसके स्वास्थ्य वाले हिस्से और शिक्षा वाले हिस्से पर इस वीडियो पर हम बात कर रहे हैं, और रोजगार वाले पर तो चैनल पर करते ही रहते हैं।